किए गए। दब जाओगी। Thank you.
हमारे जो पूजा समिति के अध्यक्ष हैं प्रवीण
परवीन राव पंचायत समिति के अध्यक्ष चाहेंगे कि हमारे जो नौजवान मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी से कि वो हमारे मुख्यमंत्री को नीम का पेड़ देंगे इस करम महोत्सव में, ताकि हम लोग पर्यावरण को भी बचा सके और नीम का जो पेड़ है वो काफी औषधीय है, इसको दे करके हम लोग स्वागत करना चाहते हैं परवीन राव। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को परवीन राव जी सम्मानित कर रहे हैं पेड़ देकर। ये संदेश जाता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और पर्यावरण को हरा भरा रखना है, करो हमने हम लोगों को यही संदेश देता है। ये भाई बहन का त्यौहार है। आगे मैं चाहूंगा कि हमारे अधीक्षक प्रोफेसर रामकिशोर भगत जी वो जामुन का पेड़ देकर हमारे माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को सम्मानित करेंगे। जामुन का पेड़ है दादा, ये हम सभी छोटे भाई बहनों का ये छोटा सा प्यार का प्रतीक है, ताकि हम लोग अच्छा से हरा भरा से रहे और इस झारखंड को हरियाली बना सके। तो साथियों ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जो आज यहाँ नौजवान जो देश करार हो माननीय हेमंत सोरेन दादा से कि हमारे बीच दो शब्द आशीर्वचन के रूप में हम भाई बहनों को हम बेटा बेटियों को प्रभात परिवार के बीच रखेंगे। माननीय बड़े भाई हेमंत सोरेन दादा मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। साथियों ढोल नगर है, उनसे अनुरोध है कि हमारे ग्राम के मुख्य अतिथि है माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, जो हमारे बड़े भाई के समान है, हमारे बीच बात रखेंगे। हमारे बीच में हमारे बहने माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को बैच लगा करके हमारी बहने स्वागत करना चाहेंगी। हमारी जो बहने हैं हमारे मुख्य अतिथि को जवा फूल के साथ भी उनका स्वागत करेंगी। आज यहाँ आदिवासी छात्रावास में फिर से अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, अक्षुण रखने के लिए करम परब के शुभ अवसर पर यहां हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। यहां उपस्थित पंचासीन सभी महानुभाव, यहां उपस्थित बड़ी संख्या में इस परंपरा को आगे बढ़ाने की संकल्प को लेने के लिए उपस्थित हमारी बहनें, हमारे भाइयों, आप सभी का सर्वप्रथम अपनी ओर से करम परब की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जोहार करता हूं। हमें करम परब के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है कि आज का ये दिन सिर्फ त्योहार मात्र नहीं है, बल्कि इस
पर्व से कई सारे संकेत निकलते हैं, कई सारे संदेश निकलते हैं। जो मानव जीवन है, ये मानव जीवन प्रकृति के साथ कैसे जुड़ा है, कैसे सदियों से प्रकृति ने हमें संभाला, हमने उसे संभाला और एक लंबी दूरी तय करके यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। आज कई जगह गली मोहल्ले चौक चौराहों पर करम परब का उत्सव मनाया जा रहा है और निश्चित रूप से इस पर्व को, इस उत्सव को, आने वाला वक्त भी हम लोग इसको यूं ही मजबूत बनाएंगे। आज दुनिया एक वैश्विक समस्या से गुजर रहा है और ऐसा समस्या जो ना कभी कोई देखा, ना कभी कोई जाना, ना कोई समझा, और आज इसके वजह से पूरा दुनिया अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। ऐसे हालात में मुझे पता नहीं, ये ऊपर वाले की मर्जी थी, विधि का विधान था कि संक्रमण आने से पहले, चंद दिन पहले मुझे इस रात को दिशा देने का जिम्मेवारी हमारे कंधे पे डाला गया और जैसे ही ये बोझ हमारे और ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे आया, साथ साथ में कोरोना भी आया और आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके द्वारा दी गई ताकत के बदौलत आज उस वैश्विक महामारी को झारखंड में जिस तरीके से संभाला गया, जिस तरीके से इसका, इस मुसीबत से हम लोग आगे बढ़ते गए, ये भी एक दुनिया में मिसाल बना। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में बिना अफरा तफरी किए, बिना लोगों को परेशान किए, हम लोग आज धीरे धीरे जीवन को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि यही सामाजिक समन्वय, यही हमारी पहचान है कि हम कभी भी किसी भी समस्या से घबराते नहीं हैं, हमारे पैर नहीं लड़खड़ाते, बड़ी बड़ी मुसीबतों को हम लोग हंसते खेलते पार करते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि झारखंड में चलना ही नृत्य है, बोलना ही गान है और इस नृत्य और गाने के साथ हम अपने दुखों को कम कर पाते हैं और आज इस वैश्विक समस्या के बीच ये करम परब, ये करम उत्सव, मैं ऊपर वाले से यही विनती करूंगा कि जितने भी लोग आज इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, सबको इस वैश्विक महामारी से दूर रखना ताकि इस झारखंड को बेहतर सामान्य जीवन मिल सके और जो हमारी विकास की गति थी, पढ़ने लिखने, रोजगार करने की, खेती बाड़ी करने की,
उन सब चीजों में गति आ सके। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों के छात्रावास के विषय में हमारे कुछ यहां मंच पर उपस्थित लोग हमें अवगत करा रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी अवसर है, छुट्टियां हैं, मैं किसी दिन औचक से खुद इस परिसर का निरीक्षण करने आऊंगा और परिसर में जो आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पुनः शुभकामनाएं, गुहार। हेलो मांदर, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे भी मांदर थोड़ा लाभ को हम भाई बहनों के साथ नाते हैं। भैया सामने साथ राजेश, राजेश अधिक चिंता ना होने महामंत्री मान से अनुरोध है कि हमारे सीएम सर को ले जाए। मिलिंद मंडली से अनुरोध है कि वो बताएंगे नंबर साथ में हमारे बड़े भाई हमारे महामंत्री हमारे मुख्यमंत्री को थोड़ा बनाकर मुफ्त कर दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री से अनुरोध है आप हमारे बीच में जगह बनाए Thank you.
गरम गरम का धुआं है, तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे विमेंस कॉलेज के आदिवासी हॉस्टल की, जहां कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देखा आपने कि किस तरीके से मांदर की थाप में पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो कर्मा पर्व प्रकृति का पर्व है, भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है ये पर्व, और बड़े ही धूमधाम से इसे मनाया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के नियम के मुताबिक इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रांची स्थित विमेंस कॉलेज के आदिवासी हॉस्टल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ।